लालू प्रसाद जी को देख लीजिए, सिर्फ रोहिणी आचार्य के प्रचार के बाद अब मीसा भारती के प्रचार में जुटे हैं। कहीं गठबंधन में भी इतना विस्फोटक होगा 4 तारीख के बाद पता चल जाएगा। अभी 36 दिन के बाद राहुल गांधी जी को याद आया बिहार, अब EVM भी आएगा, अभी तो यही आया है, EVM गड़बड़ है, अभी ये भी आएगा। इसलिए कभी भाई बहन पर तो कभी बात आएगी नहीं, यही है अल्टीमेटली खड़गे साहब को इन लोग बलि का बकरा बनाएंगे। पूरा चुनाव खत्म हो गया ना, तब नहीं आए हैं वहाँ पर, परिवार के बाहर कभी सोचा ही नहीं। उनके लिए सारा राजनीति अपना परिवार और बाल बच्चा, बिहार के लोगों से उनको कभी कोई मतलब नहीं रहा। परिवारवादी पॉलिटिक्स में ताला लग जाए, जनता इस बार सबसे बड़ा जो मैंडेट देगी वो परिवारवादी पॉलिटिक्स पे ताला लगाएगी। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में, मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है, 6 चरण में मतदान प्रक्रिया समाप्त हो गई है, 7वें चरण को लेकर प्रचार प्रसार जारी है। लालू प्रसाद यादव इन दिनों मीसा भारती के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं और इसको लेकर के लगातार अब जो है सवाल भी उठने लगे हैं इसी को लेकर के, जब पटना एयरपोर्ट पर अभी JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और संजय झा से सवाल किया गया कि लालू प्रसाद यादव मीसा भारती के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उन्होंने जम करके हमारा किया और कह दिया कि परिवारवाद को साफ साफ ये दिखाता है कि किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जो है वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। आगे क्या कुछ कह रहे हैं संजय झा और उमेश कुशवाहा, पहले इनकी बयान को आप सुनिए। इनमें कुछ संदेह है, अभी 36 दिन के बाद राहुल गांधी जी को याद आया बिहार, देख लीजिए उनके गठबंधन के लालू प्रसाद जी को देख लीजिए, सिर्फ रोहिणी आचार्य के प्रचार के बाद अब मीसा भारती के प्रचार में जुटे हैं। कहीं गठबंधन में भी इतना विस्फोटक होगा 4 तारीख के बाद पता चल जाएगा, समझे। उनका तो इंडिया गठबंधन जो है पहला ही तितर बितर हो गई थी, जो अब महागठबंधन बचा हुआ है वो भी 4 के बाद समाप्त हो जाएगा। राहुल गांधी उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के सामने 2 समस्या है, एक अमीरी गरीबी की असमानता और दूसरा बेरोजगारी, सरकार में दोनों को क्या कहेंगे, कुछ मुद्दा तो है नहीं उनके पास बोलने के लिए। जो राहुल गांधी जी के परिवार के लोग जो है 55 वर्ष तक के राज किए, यहाँ बिहार में जो है उनके गठबंधन जो है बड़ी गठबंधन बिहार का लालू जी उनका जो है 15 वर्ष तक के राज किए, तो क्या हाल है देश का और क्या हाल बिहार का था, वो सब लोग पुराने अतीत को भूलना चाहते हैं, पुराने अतीत में लोग जाना चाहते हैं। नए सुनहरा अवसर मिला है नीतीश जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो जोड़ी है कृष्णाई जोड़ी, बिहार और देश का अवसर मिला है, सुनहरे अवसर मिला है बढ़ने का सब लोग को उम्मीद है, और 40 के 40 सीट जो है हमारी NDA के झोली में जा रही है, लोग मतदान कर रहे हैं। खड़गे साहब को तो बलि का बकरा बनाएगा ही, देखे ना किस तरह कल आए हैं, पूरा जब चुनाव खत्म हो रहा है बिहार में तब वो प्रचार करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और अल्टीमेटली अब तो देख रहे हैं EVM से लेके किस किस पर गाज गिरेगा इस रिजल्ट के बाद, उसकी अब तैयारी हो रही है। जब 4 को रिजल्ट आएगा और एक मैसिव विक्ट्री के तरफ NDA जा रहा है, तो ये सब आपको दिखाई, अभी EVM भी आएगा, अभी तो यही आया है, EVM गड़बड़ है, अभी ये भी आएगा। इसलिए कभी भाई बहन पर तो कभी बात आएगी नहीं, यही है अल्टीमेटली खड़गे साहब को इन लोग बलि का बकरा बनाएगा। सोचिए जिनकी दादी ने कहा हो गरीबी हटाओ, उनकी दादी थी इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा था गरीबी हटाओ, और आज उनका पोता भी 40 साल 50 साल के बाद ये बात बोल रहा है। 40 साल 50 साल में जो उनके ग्रैंड मदर ने दादी ने स्लोगन दिया था, इतना दिन में नहीं कर पाए, अब भी बैठ करके ये कर लेंगे। तो ऐसे ही स्लोगरिंग वाले लोग हैं, इनको भी पता है कि क्या रिजल्ट होने वाला है जब फाइनली 4 को रिजल्ट आएगा। इसलिए हमको नहीं लगता है कि अपना आकर के अपना भाषण दिए, पूरा चुनाव खत्म हो गया ना, तब नहीं आए हैं वहाँ पर। सर एक सवाल है, लालू यादव आज अपनी बड़ी बहन रोहिणी मीसा भारती के लिए चुनावी प्रचार में जा रहे हैं, इससे पहले रोहिणी आचार्य के लिए प्रचार में निकले और बाकी प्रत्याशी के लिए वो बाहर नहीं निकल रहे। हम लोग तो शुरू से मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि परिवार के बाहर कभी सोचा ही नहीं, उनके लिए सारा राजनीति अपना परिवार और बाल बच्चा, बिहार के लोगों से उनको कभी कोई मतलब नहीं रहा। और इस बार एक चीज मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि इस बार 4 तारीख को जो है जो डायनेस्ट पॉलिटिक्स है
परिवारवादी पॉलिटिक्स में ताला लग जाएगा। जनता इस बार सबसे बड़ा जो मैंडेट देगी वो परिवारवादी पॉलिटिक्स पे ताला लगाएगी। तो अपने के साफ तौर पे संजय झा ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है ये परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, ये परिवारवाद की पार्टी है, इसलिए ये लोग सिर्फ अपनी बेटी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बिहार में और भी प्रत्याशी थे लेकिन किन्हीं के प्रचार प्रसार में ये नहीं गए, लेकिन अपनी बेटी के प्रचार प्रसार में ये पहले भी गए हैं और अभी भी लगातार ये लोग जा रहे हैं, इसकी दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। साथ साथ उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर भी कह दिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो है बुरा दिन आने वाला है, और भी कई तरह की बातें करते नजर आए हैं। आप सुन रहे थे क्या कुछ कर रहे थे संजय झा और उमेश कुशवाहा। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।